प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक चौक भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व आईजी सह भाजपा नेता डॉ अरुण राव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया गया, जहां डॉ अरुण राव ने बताया कि मैंने एक बुकलेट बनाया है। इसमें 24 केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। ये 24 केंद्रीय योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में लागू की गई है। इसका फायदा जमीन तक और सबसे पंक्ति में पिछड़े गरीब तक कैसे पहुंचे, इस पर विशेष चर्चा कर इस बुकलेट को लोगों के बीच वितरण भी किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल या इंटरनेट का कम इस्तेमाल जानते हैं, उन्हें इसका बहुत फायदा होगा। इसमें 24 केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई है और ये जो 24 केंद्रीय योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश भर में लागू की गई है, इसका फायदा जमीन तक और सबसे पंक्ति में पिछड़े गरीब तक कैसे पहुंचे, उस पर आज हम लोगों ने चर्चा भी की और ये टैबलेट भी बांटा है। बहुत सारे लोग जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल या इंटरनेट का कम इस्तेमाल जानते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत और उस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी है, कोई शिकायत है, काम नहीं हो पा रहा है, तो जो एप्लीकेंट शरणार्थी है उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है। उनको बिचौलिया ढूंढना पड़ता है, अननेसेसरी खर्च करना पड़ते हैं और कभी काम हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पैम्पलेट में हर एक योजना का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जिस टोल फ्री नंबर पे कोई अगर समझदार हमारे जो साथी कार्यकर्ता है उनसे अगर उनके संपर्क में आ जाए और उस टोल फ्री नंबर से कॉन्टैक्ट करके लाभार्थी का नाम आधार नंबर नोट करा दे और क्या समस्या है वो उस टोल फ्री नंबर पे नोट करा दे, तो सप्ताह के अंदर उसका निवारण हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योगदान होगी हम कार्यकर्ताओं की, इसलिए ये टैबलेट में बांट रहा हूँ। टैबलेट के आखिरी पेज में जो दो मूल समस्याएं होती हैं, वो किसान से संबंधित है और दूसरा खाद्यान्न या राशन से संबंधित है, उस पर विशेष जानकारी लास्ट पेज में दी गई है। क्योंकि ज़्यादा समस्या वही है कि 5 किलो फ्री का अनाज मिलना है वो मिलना नहीं, 15 किलो राशन मिलना है तो 10 किलो राशन मिला। उसी तरह से किसान बीमा, पिछले बार सुखाड़ के बाद कई लोग बीमा करवाया, बीमा की राशि नहीं मिली, वो राशि कैसे मिलेगी उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि ये पैम्पलेट हम लोग पंचायत तक पहुँचाए ताकि जो भी जरूरतमंद है उसको इसका फायदा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।